यातायात पुलिस इन दिनों स्कूली छात्राओं को यातायात नियमों की पाठ पढ़ा रही है, जिसके तहत बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने तुलसीदास इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर TI सुनील कुमार, TSI बीएन गुप्ता, जग नारायण, समाज सेवी संजय श्रीवास्तव, स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद मिश्रा सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर TI सुनील कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय दोनों किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान देना चाहिए, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। सड़क के ऊपर जो भी आवागमन होता है, चाहे वो मोटराइज ट्रैफिक हो या नॉन मोटराइज ट्रैफिक, एक तरह से ये कहिए यात्रा, यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, चाहे वो पैदल हो, मोटर से हो, रिक्शा से हो, गाड़ी घोड़े से हो, उसको ट्रैफिक कहें। यहाँ भी अभी भीड़ लगी है तो इसको ट्रैफिक कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? ट्रैफिक की परिभाषा तो यही बता रही, परिभाषा जो हमने बताया कि आने जाने के क्रम को ट्रैफिक कहते हैं, तो ये क्या नहीं है? इसमें क्या बताओ? एक शब्द उसमें है कि रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आने जाने के क्रम को यातायात कहते हैं। कहाँ? और सड़क किसे कहते हैं? सड़क किसको कहते हैं? एक लड़की बताए कोई, रोड को ना? हाँ देखो बताई, ठीक है। और दूसरा तुम लोग बताओ, सड़क किसको कहते हैं? रोड को। आते जाते सड़क क्या? हाँ आते जाते सड़क, ठीक है। सड़क आप लोग, कोई नई चीज मैं नहीं बताऊंगा, वही चीज मैं बताऊंगा जो सारी चीजें आप जानते हैं। सड़क ऐसा नहीं कि आप जान नहीं रहे पर उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। सड़क पर रोज जाते जाते हो, पर जो ट्रैफिक वाला बताएगा सड़क, ये भी यहाँ से मेन गेट से निकल करके और मेन रोड तक जो जाएगा ये भड़ंजा, इसको क्या बोलेंगे? सड़क। सड़क क्या बोलेंगे? सड़क नहीं बोलेंगे। ट्रैफिक वाले इसको सड़क नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताओ? गाड़ी मोटर नहीं, इस पर गाड़ी घोड़ा नहीं चलता। इस पर अभी मोटरसाइकिल से आए हैं, ये खड़ी किए हैं, देखो अभी 3-4 आदमी मोटरसाइकिल से आए, इसी पर हमारी गाड़ी इसी पर आई, अभी SP ट्रैफिक साहब की आई, अभी एक पीछे वो स्विफ्ट खड़ी है, तब तो कहेंगे सड़क इसको, अभी नहीं कहेंगे। ट्रैफिक के भाषा, ऐसा रास्ता जिसकी चौड़ाई 8 फीट से कम ना हो, 12 फीट, जिसकी चौड़ाई 12 फीट से कम ना हो और उसके दोनों तरफ कच्चे या पक्के फुटपाथ बने हो, वो सड़क को परिभाषित करेगा, वरना सड़क की परिभाषा के अंदर हो नहीं। यहाँ सब कुछ ठीक है, इसकी लंबाई 12 फीट है पर इसके दोनों तरफ फुटपाथ नहीं है, तो हम इसको सड़क की परिभाषा में नहीं। अब आप को सर लेकर के चल दिए घुमाने के लिए, चलो आप लोगों को कुशीनगर घुमा ले आते हैं, तो आप कैसे जानोगे कि हम SEH पर चल रहे हैं कि NEH पर चल रहे हैं? जाते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अब हम NEH पर आ गए, तो जितने रूल्स लागू होंगे NEH के इस रोड पर पूरे के पूरे लागू होंगे, अब SEH पर हो तो SEH के लागू होंगे। तीसरा रोड कौन सा है? अभी एक नया रोड इजाद हुआ है, अभी मुख्यमंत्री जी ने उसका, प्रधानमंत्री जी आकर के आजमगढ़ में उसका उद्घाटन किए, एक्सप्रेसवे, सुने हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे और NEH में क्या अंतर है? कोई बताए?
तो भी एनएच की कैटेगरी की एक्सप्रेसवे होती है और एनएच में अंतर देख लो, एनएच जो भी एनएच होगी, जो भी नेशनल हाईवे होगा उसके किनारे माइलोमीटर का पत्थर देखे हैं आप लोग, मील का पत्थर देखे हैं। जब से चला था घर से मंजिल पे नजर थी और मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या मतलब? हमें पहुंचना है कुशीनगर, कितने किलोमीटर हम चल गए इसकी परवाह नहीं। आपने निशाना जो साध लिया है कि मुझे जाना है वहां, तो उसके बीच में कितने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा इस जीवन में, इस विद्यार्थी जीवन में, एक गिनने की जरूरत नहीं। पर पढ़ाने के उद्देश्य से एक किनारे स्टोन का पत्थर लगा लगना चाहिए उसको भी एक तरफ। कितने लोग दोनों तरफ देखे हैं लगे हुए, कोई सड़क ऐसी है जिसमें दोनों तरफ लगते हैं? आप देखो, एक गाड़ी चलाते हो तुम ना, हाँ देखो ये देखा है, कौन से रोड पर देखे हो दोनों तरफ लगा हुआ? देवरिया, देवरिया वाले पर देखो ये ठीक देखा है। देवरिया के तरफ क्या होता है, दोनों तरफ माइलोमीटर लगाते हैं पत्थर, बेकूफ कहीं का।